अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं व्यूल बेसिक का, और ये है डेवलप एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इनपुट सैलरी एंड स्केल। एक आपने एप्लीकेशन बनानी है जो इनपुट ले सैलरी और स्केल। इफ स्केल इज ग्रेटर देन 16, एड 40% ऑफ द सैलरी एज इंक्रीमेंट। अगर स्केल 16 से अबव है, ग्रेटर है, तो 40% ऐड कर दे सैलरी में, उसको बढ़ा दे, ठीक है, इंक्रीमेंट के तौर पर। और अदरवाइज ऐड 50% ऑफ द सैलरी एज इंक्रीमेंट, अदरवाइज 50% सैलरी का ही 50% ऐड कर दे इंक्रीमेंट के तौर पर, और फिर एंड पर डिस्प्ले द नेट पे, नेट पे भी डिस्प्ले करो। बिल्कुल इसी तरह से एक और प्रोग्राम भी आपका एग्जाम में आ जाता है अक्सर, यूटिलिटी बिल से रिलेटेड, जिसमें आपको जो है ना टोटल जो आपका बिल होता है उसमें रिबेट वो दे रहे होते हैं कि भाई अगर इतना आपका वो है यूनिट्स तो इतना रिबेट देंगे, अगर इतने यूनिट्स है तो इतना रिबेट, तो वो फिर आपने ना नेट जो है कैलकुलेट करना पड़ता है बिल, उसी रिबेट के हिसाब से, रिबेट डिस्काउंट को कहते हैं। तो इस तरह से ना ये आपको आना चाहिए, और उसमें ऑब्वियसली हम एक इफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इफ एल्स आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग करता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू की स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स हो तो सेकंड स्टेटमेंट पर जाता है, वो एल्स पर जाता है। तो जरा देखते हैं जी इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑब्वियसली आपको एक तो ये कि यहाँ पर आपको एक सैलरी का वेरिएबल रिक्वायर्ड है और स्केल का वेरिएबल रिक्वायर्ड है, जो देखें दो जो वाजे हो रहे हैं ना अभी स्टार्ट में, एक सैलरी का चाहिए, एक स्केल का चाहिए, और एंड पे नेट पे डिस्प्ले करनी है तो उसका भी आपको एक वेरिएबल चाहिए। तो हम तीन वेरिएबल तो हमारे पास हो गया, चौथा देखें एक इंक्रीमेंट का भी बनेगा, जाहिर है आपने इंक्रीमेंट लेंगे तो उसको स्टोर करेंगे फिर ही बाद में ऐड करेंगे ना, तो इस तरह चार वेरिएबल्स तो आपके यहाँ पर ओके हो गए, एक सैलरी, नेट पे, इंक्रीमेंट और स्केल का। लेट्स डिक्लेयर। अब देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बनाना है फॉर्म पर, और इसके लिए आपने जाहिर सैलरी इनपुट करवानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे सैलरी की इनपुट के लिए, साथ में इसका लेबल भी, इसके कोरिस्पोंडिंग जो लेबल है वो भी आप ड्रा कर लेंगे सैलरी, ठीक है। इसको मैं एक और भी बल्कि आप ड्रा कर लें, यहाँ पर आपने स्केल इनपुट करवाना है, तो ये जो लेबल है इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पर कर देंगे कैप्शन की जगह सैलरी, और दूसरा जो है लेबल मैं यहाँ पर स्केल कर दूंगा इसकी प्रॉपर्टी में जाकर स्केल, ठीक हो गया। अब देखिए मैंने अब यहाँ पर ऑब्वियसली मैं एक जैसे इनपुट लूंगा, इनपुट लेकर एक बटन भी मुझे चाहिए, तो उस पर मैं क्लिक करूँ ताकि ये फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दे उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं इस कमांड बटन की जो कैप्शन है मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ नेट पे, नेट पे, राइट। अब देखिए मैंने कोड लिखना है, ठीक है, कोड की लॉजिक मैंने लिखनी है, तो वो कहाँ लिखूंगा, वो कहाँ लिखनी लिखी जानी चाहिए, तो वो बेसिकली आप लिखेंगे ये जो नेट पे है आपको, हाँ ये जो नेट पे है ना इसकी बैक पर आपने लिखना है कोड, तो इस पर आपने जैसे डबल क्लिक करना है, ये मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये कोड विंडो ओपन हो गई। लेट मी क्लोज ऑल द रेस्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। यस, अब हमारे पास ये कोड विंडो हो गई ओपन, इस कमांड बटन की, ये वाला जो नेट पे था इसके लिए मैंने जो ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर हमने जो भी कोड लिखना है यही लिखना है। अब मुझे इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, सपोज मैंने एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ सैलरी के नाम से, डिम सैलरी, और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं एज भी, ठीक है, डिम सैलरी एज, और एज के बाद मैं इसको डबल टाइप का बना देता हूँ, ठीक है। डबल टाइप से क्या मुराद है, ये फ्लोटिंग पॉइंट या जो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करती है, मैं चाहता हूँ सैलरी जो है ये पॉइंट्स में भी हो, फिगर, ठीक है,
10,000.5 इस तरह से करके स्टोर करें वेरिएबल, और ये सिंगल और डबल आपको पता है कि ये वेरिएबल्स होते हैं वो डिक्लेयर करने के लिए और फ्लोटिंग पॉइंट में। नेक्स्ट मैंने बनाया नेट पे, ये भी मैं डबल टाइप का ही रख लेता हूँ। इसी तरह एक और वेरिएबल मुझे चाहिए इंक्रीमेंट, इंक्रीम कर दिया मैंने इसको, और एस इसको भी मैं डबल टाइप कर लेती हूँ, क्योंकि इसलिए लिया डबल क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं ये पॉइंट में डेसिमल पॉइंट में वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। एक और वेरिएबल भी मुझे चाहिए जो कि स्केल इनपुट कराना है, जाहिर स्केल जो है वो इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, तो इसके लिए मैं डबल नहीं लूंगा बल्कि मैं स्केल के साथ मैं चलिए वन ले लेता हूँ, स्केल वन एज इंटीजर, ठीक हो गया राइट। असल में चलिए ठीक हो गया, अब हमारे पास फोर वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इनपुट कैप्चर करवानी है इस वेरिएबल में, सैलरी वाले वेरिएबल में, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। देखिए जो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये होता है, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट वन, इसका नाम है अगर आप इसकी प्रॉपर्टी में देखें। इसी तरह ये है टेक्स्ट टू है, ठीक है, तो इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी जो है डॉट टेक्स्ट है, तो आप उसे यूज करते हुए सैलरी में इनपुट करवा लेंगे राइट जी। तो मैंने लिखा सैलरी वेरिएबल का नाम लिखा जिसमें मैं ये वैल्यू चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स वन की, तो सैलरी इज इक्वल टू आगे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, ठीक हो गया। तो ये टेक्स्ट वन है बेसिकली, ये टेक्स्ट बॉक्स वन को उसका नाम है, ये नाम मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से रख सकता हूँ, मगर यहाँ पे बाई डिफॉल्ट टेक्स्ट वन है तो दैट्स फाइन। अब ये होगी कैप्चर, इसी तरह स्केल को भी मैंने कैप्चर करना है, तो मैं लिखा स्केल वन इज इक्वल टू और ये है टेक्स्ट टू, ठीक है, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। तो अब ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज आप अपने कैप्चर कर लिए, ठीक है, अब इनको आपने प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए मैं यहाँ देता हूँ इफ का स्ट्रक्चर, इफ ठीक है, इफ के आगे आप देखते हैं कि भाई स्केल को आपने यूज करना है, इफ स्केल वन इज ग्रेटर देन 16, अगर 16 से ग्रेटर हो तो फिर क्या करें, आपने यहाँ पे देन लगाना है, ठीक है, आपको पता है कि इफ के इफ एज के स्ट्रक्चर में देन भी आप यूज करते हैं इसमें, तो फिर क्या हो, आप यहाँ पर यूज करेंगे इंक्रीमेंट, आप देखें कहाँ पर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, बेसिकली इंक्रीमेंट में, यानी आपने बेसिकली सैलरी का 40% इंक्रीमेंट में स्टोर करा देना है, ठीक है, आपने सैलरी बल्कि चले मैं इसको एंड पर लिखूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे राइट, सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 100। अब देखिए ये बेसिकली आप परसेंटेज ले रहे हैं ना, उस सैलरी का 40% ले रहे हैं, आप इसी तरह लेते हैं सैलरी 0 40/100, ठीक है। अब ये आपने सैलरी का 40% ले लिया, अब इसको कहीं स्टोर भी तो कराना है, आपके पास 40% इंक्रीमेंट आ गया उस सैलरी का, लेकिन स्टोर कहाँ कराएंगे। अब मैं इसको कराता हूँ जनाब इंक्रीमेंट में, अब आपको आइडिया हो जाएगा, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे लिखा और फिर आपने लिखा ऊपर जो वेरिएबल दिया था आपने इंक्रीमेंट वाला, उसका नाम रखा है आपने इंक्रेम, तो अब ये आपने स्टोर करवा लिया इसी तरह, ठीक है। अब आपने एक और इफ की इसी की एक और देनी है अगेन, बल्कि यहाँ पर आप एल्स इफ के साथ देंगे, एल्स और बल्कि इफ तो नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इफ एल्स का स्ट्रक्चर है, और अगेन आप इंक्रीमेंट यूज करेंगे, इंक्रीम इज इक्वल टू
और अब आपने देखा था उसमें एल्स के पार्ट में क्या था कि अगर 16 से लेस ग्रेड है आपका, 14 है, 15 है, या 3, 4, 5 वट एवर इस तरह से है, तो उसका आपने कितना स्टोर करेंगे, 50% लेंगे इससे, इसी सैलरी का आप लेंगे 50% इंटू 50/100। ठीक हो गया, देखें आप जैसे मैंने एंटर किया उसने अलाइनमेंट उसकी खुद ही सेट कर दी। तो इस तरह से अब आपके पास इंक्रीमेंट में क्या आ गया, टोटल ये जस्ट इंक्रीमेंट आ गया, चाहे वो इन दोनों में से कोई एक ही होगा जाहिर है, या तो 40% के हिसाब से होगा या 50% के हिसाब से। और उसके बाद आपने देखें, याद रखें कि आपने इफ का जो स्ट्रक्चर है ना उसे एंड भी करना है, इफ के स्ट्रक्चर को एंड भी करना है। जिस तरह आप देखें ये एंड सब नजर आ रहा है, ये प्रोसीजर स्टार्ट, पहले यहाँ पे प्रोसीजर देखें उसने स्टार्ट किया ये और इधर एंड कर दिया, बिल्कुल इसी तरह इसने इफ को यहाँ स्टार्ट किया और इधर एंड कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है, राइट जी। तो अब हमने एंड कर दिया, ठीक है, अब आपने सिंपली नेट पे में नेट पे का जो है, यस नेट पे इकट्ठा है, नेट पे इज इक्वल टू आपने इसमें क्या स्टोर करवा देना है, नेट पे में सैलरी में ऐड करवा देना है, जस्ट सैलरी प्लस इन क्रेम। जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए उसने वो लाइन सेट कर दी, तो सैलरी में आपने इंक्रीमेंट को ऐड करवा के नेट पे में आ गया। अब आपने जस्ट इसको डिस्प्ले करवा देना, देखिए मैं डिस्प्ले कई तरीके से करवा सकता हूँ, मैं प्रिंट से भी करा सकता हूँ, मैं आज यूज कर रहा हूँ मैसेज बॉक्स MSGBOX मैसेज बॉक्स, मैंने थोड़ा सा स्पेस देकर डबल कोट्स में मैं कुछ मैसेज लिखना चाह रहा हूँ, नेट पे इज लिख दिया मैंने, ठीक है, आप इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ इज लिख दिया। और आपको पता है कि जब भी आपने एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग और वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए आप एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं ampersand, ठीक है, ये लाजमी है, क्योंकि यहाँ मैंने एक वेरिएबल यूज करना है नेट पे का, जो ऊपर आपने नेट पे, आपको पता है ये जो नेट पे है ना ये वाला, इसमें आ गया ना आपका फाइनल रिजल्ट, इसी को डिस्प्ले कराना है, तो वो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, जबकि ये क्या है आपकी स्ट्रिंग है जो आप चाहते हैं उस मैसेज बॉक्स में लिखी हुई आए। तो जाहिर है इन दोनों को अब आपने सेपरेट करना है, तो किस चीज से सेपरेट कर रहे हैं आप, इस कंकेटिनेशन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब हम जरा इसको रन करते हैं, वैसे मैं रन करने से पहले इसको बेहतर कॉपी कर लें, ये ना हो आपका लिखी हुई मेहनत जाया हो जाए, हमने इसको कॉपी भी कर लिया, और मैं अब इसको रन करता हूँ, लेट्स रन इट, यस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अब हम इनपुट देते हैं, यहाँ सैलरी में इनपुट दे देता हूँ जनाब 20, बल्कि यहाँ दे देता हूँ 30,000, और स्केल मैं दे देता हूँ 17। देखिए ये मेरे पास आ गया एक, उसने कैलकुलेट करके मुझे दे दिया नेट पे इज 42,000। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, और इसी तरह मैं अगर यहाँ 42,000, अब देखिए मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 15 कर देता हूँ, जरा देखते हैं क्या रिजल्ट आता है मेरे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया, और मिसलीडिंग आ रहा है, रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए, यकीनन हमने कोई मिस्टेक किया, जरा देखते हैं, अब आपने प्रोग्राम अपना देखना है। अगर आप देखें ना यहाँ पर मैंने एक ऑपरेटर यहाँ पर गलत यूज किया है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि पहले इसको बैक क्लोज कर दूं, यस अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज कर, तो इस तरह से आपको ट्रबल शूट करना पड़ता है अपना प्रोग्राम कि कहाँ पर आपने क्या मिस्टेक कर दी। मैं यहाँ पर थोड़ा गैप दे देता हूँ, देखिए इससे जरा थोड़ा सा बेहतर लगेगा, देखिए यहाँ आपने गैप दे दिया थोड़ा सा, अब ये डिस्टेंस पर जो है ना ये शो करेगा, बल्कि यहाँ पर भी अगर आप स्पेस देना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये दे दिया आपने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी अगर, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं।
लेट्स रन इट 30,000, यहाँ मैं दे देता हूँ 15, तो देखिए मेरे पास जो उसने फिगर दिया वो 45,000 का दिया, ठीक है, बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन अगर आपने ठीक से कर लिया तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और यूटिलिटी बिल्स के आते हैं नॉर्मली या फिर सैलरी से रिलेटेड आते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर टुडे, इंशाल्लाह मैं कल एक और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।